तो वेक्टर एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे थे, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सबसेक्शंस ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स लॉज पढ़ेंगे, जिसमें ट्रेंगुलर लॉ है तुम्हारा, पैलोग्राम लॉ है, पॉलीगन लॉ है, लेकिन हमारे लिए पैलोग्राम। तो अब वेक्टर्स के कुछ प्रोडक्ट की बात करेंगे, है ना, प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो ना वेक्टर्स की बात करेंगे आज, इतना समझेंगे। बाद वेक्टर इधर तुम्हारा मोटा मोटा क्या हो जाएगा, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक दिन लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे सब धीरे धीरे तुम्हारा क्या। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन की हम बात करेंगे, दो वेक्टर्स की एडिशन की बात करेंगे, बात करेंगे इसी को ट्रेंगुलर लॉ में अभी देखेंगे। मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इनको ऐड कर रहे हैं हम। अगर ग्राफिकल वे में इसको हमें लिखना होगा तो क्या इसका मतलब, दोनों के डायरेक्शंस को पॉजिटिव वे में लेना है, एक जहां पर एंड होगा दूसरा वहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा, यही ट्रेंगुलर लॉ है। अभी हम देखेंगे इसको, इनका रिजल्टेंट आर है, आर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर, समझ में। कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसको हमें देखना होगा तो मान लीजिए वेक्टर ए की कुछ वैल्यू दी है, वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया है, मान लो ए वन आई कैफ, ए टू जे कैफ, ए वन आई कैफ प्लस ए टू जे कैफ प्लस ए थ्री के कैफ दिया है, और वेक्टर वी इक्वल टू आपका जो दिया है वो क्या है, बी वन आई कैफ, बी टू जे कैफ और बी थ्री के। अगर दोनों के हम एडिशन की बात कर रहे हैं, मतलब वेक्टर ए में वेक्टर बी को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो कुछ नहीं करना होता है, सीधे आई कैप को आई कैप के साथ ऐड कर लेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को, एडिशन की बात। तो ए वन प्लस क्या हो जाएगा, बी वन आई कैप प्लस ए टू प्लस बी टू जे कैप, फिर प्लस क्या होगा, ए थ्री प्लस बी थ्री, नहीं वही जो करिस्पॉन्डिंग आई जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप है, उनके कोफिशियंट को करिस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, आई कैप को आई कैप कैप को जे कैप के साथ के कैप को। तो ये हो जाएगा वेक्टर्स का एडिशन, अगर कार्टेशियन फॉर्म में। ट्रायंगुलर अगर लॉ की हम बात करेंगे, अगर इसको हम ग्राफिकली इस तरह से, मतलब एरो मतलब वेक्टर फॉर्म है उसको इस तरह से समझेंगे तो ये है, ये ट्रायंगुलर लॉ है, अभी देखेंगे क्या है। अच्छी, सब समझ में आया तुम्हें, एडिशन है। सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो यही माइनस हो जाएगा, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो, मान लो अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे दोस्त, अब यही दो वेक्टर्स ले लेते हैं, वेक्टर ए है मान लो, वेक्टर बी है, ए पॉजिटिव है, बी क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है तो ए को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लो, बी नेगेटिव है तो बी को क्या करो, नेगेटिव डायरेक्शन में ले। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इनका रिजल्टेंट यहाँ होगा, ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर। अब ये समझ लो कि अगर हम ए लेते वही वैल्यू जो अभी हमने लिखा था, वेक्टर ए इक्वल टू मान लो के दिया है कार्टिजियन फॉर्म में, ए वन आई कैफ, ए टू ए टू जे कैफ और ए थ्री जे कैफ है, वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, वेक्टर बी इक्वल टू है मान लेते हैं बी वन आई कैफ टू ए कैफ बी थ्री के, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालने हैं तो क्या करना है, बस वही आई कैप को आई कैप के साथ माइनस करेंगे, जे कैप के साथ करेंगे, के कैप को के कैप के साथ माइनस करेंगे, यही तो करेंगे, है ना। तो अब इसको माइनस करते हैं भैया, माइनस करेंगे ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो ए वाले जो भी हैं उसको पहले लिखेंगे, ए वन माइनस बी वन आई कैप, और यहाँ क्या हो गया, ए टू माइनस बी टू जे कैप, और क्या होगा प्लस ए थ्री माइनस बी थ्री, सब्ट्रैक्शन की। फिर इनके प्रोडक्ट की बात आती है, की बात आएगी दोस्त, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर प्रोडक्ट भी आएगा, प्रोडक्ट की बात कर ले आगे बढ़े। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो दो तरीके से होगा, प्रोडक्ट की बात करेंगे दोस्त, प्रोडक्ट प्रोडक्ट दो तरह का होगा, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट दो तरह का होगा, उसमें होगा एक स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होगा डॉट प्रोडक्ट। एक होगा स्केलर, दूसरा होगा, एक होगा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको तरह का प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी आती है वो स्केलर क्वांटिटी आती है। या इसी का दूसरा नाम है, उसका क्या नाम है दोस्त, डॉट प्रोडक्ट। क्या है, तरफ से डॉट लगा रहेगा, बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो क्यों कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इसके बाद जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो स्केलर होती है। क्या नाम दिया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। यहां समझो, फैक्टर प्रोडक्ट क्या है, फैक्टर प्रोडक्ट या इसके बाद को लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लिखते हैं दोस्त, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस का वो सिंबल बनाते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिजल्टेंट जो क्वांटिटी आती है कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? अब स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो समझो, दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर के बीच का कुछ एंगल दिया है। सपोज एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है दोस्त, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहां होता है कॉस थीटा। क्या होता है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इसी को राइटर्स ना कभी कभी थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हमने कहा अगर वेक्टर मॉड डॉट नहीं लगा, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड है कॉस थीटा। अब इससे जो क्वांटिटी निकल के आती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है भाई, वर्क वाला तुमने पढ़ा होगा। वर्क डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल जो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, दो क्वांटिटी है, ए वेक्टर ए है मान लेते हैं, वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ भी एक नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर का मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर की हम बात करेंगे, एन कैप। नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मतलब इस वेक्टर का, इस वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल है, लेकिन यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। केवल और केवल डायरेक्शन के लिए इसको यूज कर रहे हैं। इन दोनों का जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना, तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो उसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो वो बता रहे हैं उनका डायरेक्शन जो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी, उसका जो डायरेक्शन होगा दोनों के साथ 90 डिग्री पे होगा। मतलब वेक्टर ए से भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा और वेक्टर बी से भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। मतलब एन कैप का वेक्टर ए के साथ भी क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, और वेक्टर बी के साथ भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा दोस्त, 90 डिग्री का बनेगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी जब हम लिख रहे हैं तो क्या आएगा ये देखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इक्वल टू होगा यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ आएगा साइन थीटा, और ये क्या होगा, यहाँ हो जाएगा एन कैप। क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, दोनों वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बने। अब इसी को ए बी साइन थीटा एन कैप भी लिखा जा सकता है, लेकिन एन कैप हमेशा लिखना। एन कैप क्या है, डायरेक्शन बताएगा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट क्वांटिटी निकल रही है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा एन कैप के डायरेक्शन में। मतलब ऐसा है उसका डायरेक्शन कि दोनों वेक्टर के साथ वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये फार्मूला है इसके। ये बात समझ में आई। अब यहीं से आई कैप जे कैप के कैप का भी कॉन्सेप्ट आएगा। अब इसमें कॉस थीटा है, उसमें क्या है, साइन थीटा। अब समझना, अगर मैं आई कैप जे कैप के कैप की बात कर रहा हूँ, जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे, आई कैप जे कैप और इधर आई कैप एक्स एक्सिस को लॉन्ग था, इधर क्या था, जे कैप था, इधर क्या था तुम्हारा, जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। अब जरा देखना, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट की, समझना दोस्त इसको। जब इसको हम डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अभी हमने लिखा कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, ए बी कॉस थीटा है।
अब जरा देखना यहाँ पर समझो। पहला, अगर आई का हम जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे या जे का के के साथ लेंगे या के का आई के साथ लेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, किसी भी दो के साथ एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। फॉर्मूले में कॉस है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो सब क्या आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब जब आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा क्या आएगा? लेकिन सेम सेम के साथ अगर लें तो, आई का आई के साथ ही लें तो, आई के आई के साथ ही लें तो, जे का जे के साथ ही लें तो, के का के साथ ही लें तो वन के इक्वल आएगा। कितने के इक्वल आएगा? क्यों इक्वल आएगा वन के, ये समझना। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इनका वन होगा, लेकिन आई का आई के साथ एंगल कितने डिग्री का होगा? जीरो डिग्री का होगा। और सेम लाइन सेम के साथ जानते हो हमेशा जीरो डिग्री एंगल बनाती है। कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो रिजल्ट हमेशा कितना आ जाएगा दोस्तों? समझ में आया ये? क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ आई के वन, मॉड ऑफ आई के वन, और आई का आई के साथ ही एंगल जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। तो वन इंटू वन क्या आएगा? वन। इसलिए रिजल्ट वन आएगा, सबका क्या आएगा? वन। लेकिन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करोगे, ये समझना है यहाँ पर, ये जरूरी है। जब आप किसकी बात करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट की। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे ना दोस्त, तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और क्या होता है? एन कैप। अब जरा देखना, यहाँ सेम सेम और डिफरेंट डिफरेंट दोनों को देखते हैं। अगर आई का जे के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यहाँ साइन आता है फॉर्मूले में, तो साइन 90 की वैल्यू वन होगी, यहाँ जीरो नहीं होगा। लेकिन मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप की वैल्यू वन होगी, साइन 90 की वैल्यू वन होगी, लेकिन एन कैप अब यहाँ आ जाएगा जे, सॉरी के आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? क्योंकि आई और जे के साथ के कैफी है जो दोनों से कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 90। तो आई क्रॉस जे होगा तो के कैप आएगा, जे क्रॉस के होगा तो हमेशा क्या आएगा? आई कैप आएगा। दूसरा ही है, तीसरा वाला आ जाएगा, अगर के क्रॉस आई होगा तो हमेशा क्या आएगा? जे कैप आएगा। लेकिन ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है, ऑर्डर का ध्यान इस तरह से देखिएगा कि आई के बाद क्या आता है? जे आता है, और जे के बाद फिर क्या आता है दोस्त? के। अगर ये ऑर्डर बदल गया तो साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कल अगर हमने जे क्रॉस आई लिख दिया, हमने जे क्रॉस क्या लिख दिया, जबकि होना क्या चाहिए था? आई के बाद जे आता, हम जे के बाद आई पे जा रहे हैं, तो के तो आएगा लेकिन माइनस के, क्योंकि डायरेक्शन अभी क्या हो गया? इस मैंने कहा माइनस साइन एन का मतलब डायरेक्शन अप। इसी तरह से जे क्रॉस के है तो आई आएगा, लेकिन अगर के क्रॉस जे है तो, के क्रॉस जे है तो माइनस के आई, के क्रॉस आई है तो जे आएगा। ऑर्डर चल रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला, लेकिन अगर आई क्रॉस किया गया तो माइनस के, डायरेक्शन का ध्यान रखना। अब इस स्केलर प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे तो क्या आएगा? ये भी कार्टेशियन फॉर्म, स्केलर और वेक्टर दोनों का कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे तो देखो क्या होगा। कैसे प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट आएगा ये समझ, स्केलर का भी समझते हैं और डॉट का भी समझते हैं। अब इस स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा ये समझ, स्केलर प्रोडक्ट में क्या आएगा? मान लेते हैं वेक्टर ए इक्वल टू दिया है ए वन आई कैप, ए टू ए कैप और ए थ्री, और वेक्टर बी दिया है क्या? वेक्टर दिया है बी वन आई कैप, बी टू जे कैप और बी थ्री ए कैप। अगर इनका कार्टेशियन फॉर्म में हम प्रोडक्ट ले रहे हैं ना ए डॉट बी, अब जैसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो सबका सम में मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन आई का आई के साथ करेंगे तो वन आएगा, अभी हमने बताया। लेकिन आई का जे और के साथ लेंगे जीरो आएगा, डिफरेंट के साथ जीरो आता है। कार्टेशियन फॉर्म में स्केलर प्रोडक्ट में क्या करना है? बस सेम आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप को, के कैप के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। यहां आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप को जे कैप से और के कैप के, तो ये आ जाएगा हमारा क्या? ए वन बी वन आई कैप तो वन हो जाएगा ना डॉट प्रोडक्ट में, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ आ जाएगा ए टू बी टू और क्या आ जाएगा? ए थ्री बी।
आई कैप के कोफिशियंट को आई कैप के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे कैप से और के कैप के कोफिशियंट को। साइन का ध्यान रखना, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, वो सब मल्टीप्लीकेशन का है, वो ध्यान रहे, लेकिन तरीका जो है ये समझना, बस करस्पॉन्डिंग जो कोफिशियंट्स हैं आई की जे के कैप के मल्टीप्लाई करके सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जो आएगा वही कार्टीजन। क्लियर क्या दोस्त? पहले का कार्टीजन फॉर्म। लेकिन अगर कार्टीजन फॉर्म में हम लिख रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, किसका लिख रहे हैं दोस्त? वेक्टर प्रोडक्ट। अब मान लो सेम क्वांटिटी है, अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ और कार्टीजन फॉर्म में बात करेंगे, किसमें बात करेंगे दोस्त? कार्टीजन फॉर्म में। तो अब इसमें समझना, अब इसमें क्या होगा, इसमें समझना, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा एक कार्टीजन बी निकालेंगे ना, इसको मैट्रिक्स मेथड से करेंगे, सबसे पहले क्या लिख देंगे आई और जे और क्या लिख देंगे, हाँ अगर ए क्रॉस बी है ना, क्या है ए क्रॉस बी है तो ए के कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे, मतलब आई जे के कैप के, और बी के क्वेश्चन को बाद में लिखेंगे, जो आई कैप जे कैप। तो ए वाले में क्या है, ए वन है, ए टू है और क्या है, ए थ्री है। बी के क्या है, बी वन है, बी वन है, बी टू है और क्या है, ये थ्री है। क्लियर है ना, ये है तुम्हारा, लिख देते हैं साफ साफ, ए टू है, ये क्या हो गया बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्त, ये समझना, पहले आई कैप लिख देना इस तरह से बना लेना, फिर माइनस का जे कैप लिख लेना इस तरह से बना लेना, फिर प्लस का के कैप, ये फ्रेम एकदम सेट करो, आई कैप माइनस जे प्लस के कैप। जब हम आई कैप के लिए लिखेंगे ना, ये पहले रो के एलिमेंट तो कभी भी नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन जब आप आई कैप के लिए लिखिएगा तो आई कैप के नीचे जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको हाइड करिएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास, ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री, इनको लिखना है यहाँ पर। यहाँ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे तुम्हारे, क्या आएंगे तुम्हारे, ए टू टू और ए थ्री बी थ्री आएंगे। जब जे की बात करेंगे तो जे के नीचे वाले कोफिशियंट को हाइड करेंगे, मतलब जे ये बचेगा तुम्हारा क्या, ए वन बी वन और ए थ्री। जब के की बात करेंगे तो के कोफिशियंट को हाइड करेंगे, क्या बचा, ए वन बी वन ए टू और क्या हो गया यहाँ। अब जब इसे सॉल्व करोगे तब यहाँ क्या आएगा, देखो जब आई कैप के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा, आई कैप के लिए सॉल्व करोगे तो आई कैप लिखोगे मल्टीप्लाई हमेशा यहाँ से इस तरह से करोगे, ए टू को बी थ्री से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए टू बी थ्री माइनस के बी टू ए थ्री हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप इसको करोगे तो ए वन बी थ्री माइनस का ए थ्री वन, प्लस के कैप इसका करोगे इसी तरह से ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू होगा। दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में साइन हमेशा माइनस का आएगा, बाकी ये माइनस हो रहे ही है। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ गई, ठीक है, देख लो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये वाला फॉर्म समझो इसको पहले, ठीक बताओ फिर मुझे। हाँ तो जे वाले में, हाँ बोलो, हाँ ए वन बी थ्री बी वन ए थ्री, ए थ्री भी कोई दिक्कत नहीं, थ्री इंटू फाइव करो, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन ही तो आएगा, क्या अंतर पड़ता है उससे, समझ में आ गया, यही चीज़ कर, क्लियर समझ में, ये हो गया कार्टीजन। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें इससे ध्यान रखने चाहिए, हमें कुछ रिजल्ट हैं जैसे मान लेते हैं, हाँ जैसे रिमार्क में इस चीज का ध्यान रखना, अगर ए डॉट बी जीरो आ गया दोस्त, पहला रिजल्ट,
ए डॉट बी जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दोनों वेक्टर क्या है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर ए क्रॉस बी जीरो आ गया तो, ए क्रॉस बी जीरो आ गया इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ए डॉट बी आया जिसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी जीरो है जिसका मतलब दोनों वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल होंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या है, जीरो। और समझना थर्ड पॉइंट कि ए डॉट बी जो होगा दोस्त, तुम्हारा जो तुम्हारा ए डॉट बी हमेशा इक्वल होगा बी डॉट ए के, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। क्या होता है वो, कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब किसी को भी पहले पे लिखें दूसरे पे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर का, लेकिन जो तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी ना, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए का होगा, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपोजिट, ये नॉट कॉम्यूटेटिव होगा, नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा ये, मतलब ये इक्वल नहीं होगा। मतलब ए क्रॉस बी का अगर कुछ रिजल्ट आ रहा है, मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ मान लो टू आई कैप आ रहा था तो यहाँ माइनस टू आई कैप आएगा, रिजल्ट सेम आएगा बट साइन रिजल्ट का क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। ये समझना था यहाँ से, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं तो, समझ में आया, ठीक है। एक कार्टेशियन फॉर्म और ये सब हमने समझ लिया, यही मेन था, ये खास था, ये जानना था हमें तो। हम लोगों ने इसी में एक टर्म आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आप क्या होता है जरा देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑफ किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। वेक्टर को अगर आप रिजॉल्व कर रहे हो, ये हम मान लेते हैं वेक्टर हमारा कोई, मान लेते हैं वेक्टर ए को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये इसका एक्स वाला कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस को लॉन्ग है, ये क्या है, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या है, इधर मिलेगा हमें वर्टिकल कंपोनेंट, कुछ नहीं ध्यान रखना है, जिसके साथ एंगल बना है वहां लेंगे क्या, जिसके साथ एंगल बन रहा है वहां लेंगे दोस्त कॉस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा वेक्टर ए कॉस थीटा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। हमने रिजॉल्व कर लिया, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वेक्टर ए साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वेक्टर ए कॉस थीटा, मैं बात क्या जाएगा, वेक्टर ए कॉस थीटा अगर एंगल थीटा है तो। किसी को राइटर्स कभी कभी ऐसे लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे, क्या लिख देते हैं ए एक्स, क्या लिख दिया उन्होंने, ए एक्स लिख दिया, वेक्टर ए कॉस थीटा, ए एक्स का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्या लिख देंगे, ए वाई, ए वाई का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है वाई एक्सिस को, तो लिखेंगे वेक्टर ए साइन, बात समझ में आ रही है, ये लिखेंगे यहाँ, ठीक है, ये चलेगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब वेक्टर इस तरह से क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर देंगे, नहीं हो कोई बात, वेक्टर्स लॉ है, जैसे ट्रेंगुलर लॉ है तुम्हारा, पैरेलल लॉ है ना, पॉलीगन लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है हमारे लिए खास है वो बता देते हैं, चले आगे बढ़े, ठीक है। देखिए वेक्टर्स लॉ, वेक्टर लॉ वेक्टर्स लॉस की अगर हम बात करें, देखिए मेन जो है हमारे लिए ट्रायंगुलर लॉ क्या है, ये ट्रायंगुलर लॉ या ट्रायंगल लॉ क्या है, फिर है एक पैरेललोग्राम लॉ, ये हमारे लिए खास पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। थर्ड आता है आपका पॉलीगन लॉ, पॉलीगन ट्रायंगुलर लॉ में ये है कि ये बताते हैं अगर दो वेक्टर को किसी भी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करें,
किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को हम अगर किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें, जो थर्ड साइड होगी उन वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, जो थर्ड साइड होगी उनके रिजल्टेंट को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, सब शो करेगी, है बात, वेक्टर आर, मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, ऐसे बता रहे हैं। ये माइनस में भी हो सकता है, अभी पीछे किसी भी दो वेक्टर को अगर हम किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थर्ड साइड जो होगा उन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, रिप्रेजेंटेड, तो जो थर्ड साइड होगा दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट बताएगा, रिजल्ट मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिप्रेजेंट। सपोज करो, जैसे मान लो अगर तुम्हारा ट्रायंगल ए बी सी है, क्या है, जो है तुम्हारा ट्रायंगल ए बी सी है, दो वेक्टर हमने ले लिया, एक इधर वेक्टर ए है, ये दूसरा क्या है, वेक्टर बी है, ये इधर से इधर को आया, ये इधर से इधर को जा रहा है, ए सी सी इसका क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। मतलब ये बता रहे हैं हम कि अगर हम लिख रहे हैं वेक्टर ए बी और इधर लिख रहे हैं वेक्टर क्या, बी सी, ये किसके बराबर होगा हमेशा, वेक्टर मतलब इधर से गए इधर से गए तो ये कर दिया। अगर साइक्लिक ऑर्डर में इसी सम को करें तो हम ट्रायंगल में यही लिख दिया जाता है क्या, कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, किसी भी ट्रायंगल के सभी साइड का जो साइक्लिक सम होगा, एल्जेब्रिक जो सम होगा, वो हमेशा इक्वल टू में क्या आता है, जीरो आता है। नहीं तो अगर हम ट्रायंगल लॉ से ये समझ रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम ग्राम क्या क्या है, मतलब जो पैरेललोग्राम तुम्हारा लॉ है और तुम्हारा पॉलीगन वाला लॉ है इनको हम समझते हैं। पॉलीगन लॉ में क्या है भाई, चार साइड से ज्यादा साइड्स हैं, पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, चार साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है एक टाइप का ये, तो पैरेललोग्राम क्या है ये समझ लेते हैं, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ क्या है ये समझ लेते हैं, ये हमारे लिए खास है। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम लॉ क्या है, ये बताया जाता है अगर किसी भी दो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से, दो एडजेसेंट साइड से कि दो वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए है मान लेते हैं, ये क्या है वेक्टर, अब इसको कंप्लीट करते हैं, मान लेते हैं ये है सिचुएशन, ये इनका रिजल्टेंट है। इसमें कहा जाता है ये है पी आर और क्या है दोस्त, पैरेललोग्राम है, अगर किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट किया तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना उस पैरेललोग्राम के उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो दोनों साइड्स के कॉमन पॉइंट से जा रहा, ये दोनों हमने साइड ले लिए इनका कॉमन पॉइंट ये है, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ये वाला जो डायगोनल होगा जो दोनों साइड के कॉमन पॉइंट से जा रहा है ये रिप्रेजेंट होगा वेक्टर। और इस आर का जो एक्सप्रेशन आता है ना, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या था दोस्त, थीटा था, आर का जो एक्सप्रेशन यहाँ से आता है, यहाँ से आता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और यहाँ क्या आता है कॉस, ठीक है। अब उसी में ये हो जाता है अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर ए अगर वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो गया तो कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री, तो जानते हो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली ए स्क्वायर प्लस, या यहाँ से सिंपली आर इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस, मतलब दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा रूट में दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम का रूट ले लेगा भाई, इन दोनों वेक्टर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो 180 डिग्री एंगल, 180 वैल्यू माइनस वन होती है तो आर इक्वल टू क्या जाएगा, अगर थीटा अगर 180 डिग्री है तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर्स, तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा वेक्टर ए माइनस के वेक्टर
दोनों वेक्टर के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। लेकिन थीटा अगर 0 डिग्री है तो मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, दोनों वेक्टर के सम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट सम कर देंगे जो आएगा वही क्या हो जाएगा इसका, ये पैरेललोग्राम लॉ। पॉलीगन में क्या है, 4 से ज़्यादा 5 होंगे। फिर इसके इसमें डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन की जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके रिजल्टेंट की अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा डायरेक्शन, ये मान लेते हैं अगर ये वेक्टर बी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है दोस्त, अल्फा एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट की अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे ना तो जो डायरेक्शन होगा इसका टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा बताया जाए, टेन अल्फा की हम जब बात करेंगे तो अगर हमने बी को नीचे लिखा है, हमने कहाँ लिखा है अगर नीचे लिखा, तो ऊपर जो आएगा उसको भाई जो आ रहा है उसको लिखना पड़ेगा ही। यहाँ से परपेंडिकुलर पर ड्रा करते हैं, फिर यहीं से बनाते हैं, पूरा कहानी ये है, तुम्हें इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा वो सारी चीजें याद रखो जो हम बता रहे। अगर इस परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे यहाँ पर, अब ये तुम्हें साइड दिया है तो याद जाएगा वेक्टर ए साइन, वेक्टर ए साइन थीटा अपॉन हो गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कॉस, ये डायरेक्शन है। अल्फा इक्वल टू निकालना है तो टेन इनवर्स वेक्टर ए साइन थीटा अपॉन वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कॉस, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, इसका डायरेक्शन होगा वेक्टर का, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन ये होगा। यहाँ से मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना उसके मतलब हाफ एंगल से जाएगा। मान लो दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट मोस्टली कहाँ जाएगा, 45। दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट हमेशा कहाँ जाएगा, 30 डिग्री एंगल से जाएगा। ये ध्यान में रखना, समझ में आया बात। बाकी अगर नहीं सेम होगा तो ये फार्मूला तो है ही अपना, यहाँ से निकाल वाली बात समझ गए। तो इतना ओवरऑल हमें वेक्टर में जानना था जितना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ तक पढ़ के रखोगे तो जो न्यूमेरिकल साइंस के तो हम लोग प्रैक्टिस करें सब, ओके। यहाँ तक हम लोग सब परेशानी न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करेंगे, डन ओके।